प्रिय छात्रों, आज की क्लास में मैं आपके सामने करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ और ये करंट अफेयर्स अभी हाल फिलहाल का है जो 26 जुलाई 2022 को घोषित किया गया है। और ये जो छब्बीस जुलाई 2022 को जो रामसर स्थल के रूप में 5 भारतीय नए स्थलों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब ये 5 नए भारतीय स्थल जो शामिल किए गए, उसको जानने से पहले आप रामसर के बारे में जान लीजिए कि ये रामसर है क्या। तो ईरान स्थित एक शहर है, ईरान में स्थित एक शहर है जिसे रामसर के नाम से जाना जाता है। और ये रामसर स्थल आपका कैस्पियन सागर झील के निकट एक शहर के रूप में स्थित है। अब इस रामसर स्थल में हुआ क्या था, तो ये जो रामसर शहर है, यहाँ पर राष्ट्रों द्वारा मिल करके आर्द्र भूमियों के संरक्षण को संरक्षण करने के लिए एक तरीके से एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तो विश्व स्तर पर जो भी आर्द्र भूमियाँ हैं उसको बचाव करने के लिए, उसका संरक्षण प्रदान करने के लिए 2 फरवरी 1971 को इस सम्मेलन में राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर इस संधि पर किया गया था। अब जब इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया तो ये संधि लागू कब हुई थी, तो लागू हुई थी आपका 21 दिसंबर 1975 को। जब 1975 में ये लागू हुई तब जा करके रामसर स्थलों की घोषणा प्रारंभ हो गई। अब इसमें भारत के संबंध में अगर पूछा जाए कि भारत जो है वो भारत का कौन सा पहला स्थल जो रामसर के रूप में शामिल किया गया, तो ओडिशा में स्थित आपका चिल्का झील है, ओडिशा में स्थित चिल्का झील। और इसी चिल्का झील को भारत का पहला रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। तो इस आपके वीडियो में या इस पिक में आपके 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन निकल करके सामने आते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा निकला, तो रामसर स्थल कहाँ स्थित है, तो रामसर स्थल ईरान का एक शहर है जो ईरान में स्थित है। उसके बाद से रामसर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो रामसर का मुख्य उद्देश्य है आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना। उसके बाद से रामसर संधि, तीसरा क्वेश्चन आपका बन जाता है कि रामसर संधि पर देशों ने कब हस्ताक्षर किया, तो रामसर संधि पर 2 फरवरी 1971 को देशों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। अब अगला क्वेश्चन चौथा ये बन जाता है कि रामसर संधि कब से प्रभावी हुई, तो रामसर संधि जो है वो 21 दिसंबर 1975 को प्रभाव में आया। पांचवा क्वेश्चन ये निकाल सकते हैं, अभी हमने बताया कि भारत का वह कौन सा स्थल है जो रामसर की श्रेणी में पहली बार शामिल किया गया, तो 1981 में ओडिशा की चिल्का झील को रामसर स्थल में पहली बार शामिल किया गया था। अब आते हैं हम लोग अगला पॉइंट पे, और अगला पॉइंट ये है कि रामसर स्थल जो है वो आर्द्र भूमियों का ऐसा स्थान जहाँ पर कम से कम 8 माह तक कंटिन्यू पानी भरा रहता है, तो उसे ही आर्द्र भूमि की श्रेणी में शामिल किया जाता है या रामसर स्थल की श्रेणी में शामिल किया जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं करंट अफेयर्स की क्लास पे, और ये करंट अफेयर्स में भारत की किन किन स्थलों को रामसर के रूप में शामिल किया गया, तो भारत के 26 जुलाई 2022 को भारत के 5 स्थलों को रामसर की श्रेणी में शामिल किया गया। और इस तरीके से भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई, 54। कभी कभी ये आपकी परीक्षाओं में पूछ भी देता है कि भारत में स्थित रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा कि टोटल उसकी संख्या कितनी है, 54। इसी तरीके से कई परीक्षाओं में ये भी पूछ देता है कि भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है। तो अब हम उस 5 आर्द्र भूमि क्षेत्रों की चर्चा करते हैं जो कि अभी 26 जुलाई 2022 को रामसर स्थल की श्रेणी में शामिल किया गया। तो पहला आपका है करिकली पक्षी विहार,
और ये करिकली पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो करिकली पक्षी विहार आपका कांचीपुरम जिला, कांचीपुरम तमिलनाडु का कांचीपुरम जिला है, जिसे रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। अब ये करिकली पक्षी विहार कौन सा है? तो ये आपका करिकली पक्षी विहार है, और इसको अगर डिस्ट्रिक्ट के रूप में लिखना चाहें तो डिस्ट्रिक्ट आप डाल सकते हैं कांचीपुरम, कांचीपुरम। उसके बाद से आपका दूसरा जो रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया वो है आपका पल्लीकरनाई मार्श रिजर्व, पल्लीकरनाई मार्श रिजर्व। और ये आपका पल्लीकरनाई मार्श रिजर्व है जो कि चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद से तीसरा जो रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया वो पिचवर्मन मैंग्रोव वन है, पिचवर्मन मैंग्रोव वन, और ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो इस तरीके से तमिलनाडु में स्थित विश्व धरोहर तमिलनाडु में स्थित रामसर स्थल कितने शामिल किए गए 2022 में? तो तीन। तो तमिलनाडु का एक हो गया आपका पिचवर्मन मैंग्रोव वन, दूसरा हो गया पल्लीकरनाई मार्श रिजर्व, और तीसरा हो गया करिकली पक्षी विहार। और ये तीनों आपके तमिलनाडु में स्थित हैं। बाकी दो स्थल कौन कौन से हैं जिन्हें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया? तो बाकी में आपका हो गया सांख्या सागर झील, सांख्या सागर झील। और ये सांख्या सागर झील जो है ये कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है। और मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला, मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला में ये सांख्या सागर झील स्थित है, जिसे रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। और जो आपका पांचवा है वो पांचवा मिजोरम, और मिजोरम का पाला झील, और यही आपका मिजोरम की पाला झील है जिसे रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। और ये पाला झील मिजोरम के किस शहर में स्थित है? तो मिजोरम के सीहा, मिजोरम के सीहा डिस्ट्रिक्ट में यह झील स्थित है। तो इस तरीके से आप इतना याद रखिएगा इससे क्वेश्चन कि 26 जुलाई 2022 को भारत के पांच नए स्थलों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया, और ये पांच नए रामसर स्थल को शामिल किए जाने के पश्चात भारत के कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? तो ये 54, ये भी काउंटिंग याद रखिएगा। और इस पांच का नाम ज़रूर याद रखिएगा कि कौन कौन सा शामिल किया गया और किस किस राज्य में स्थित हैं। तो सबसे पहले हमने बता दिया करिकली पक्षी विहार, ये तमिलनाडु में स्थित है, कांचीपुरम जिला के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दूसरा आपका है पल्लीकरनाई मार्श रिजर्व, पल्लीकरनाई मार्श रिजर्व, और ये चेन्नई तमिलनाडु में ये स्थित है। उसके बाद से जो तीसरा है वो पिचवर्मन मैंग्रोव वन है। तो इस तरीके से ये जो तीन आपके हैं ये तीन तमिलनाडु में स्थित हैं, और बाकी दो नए स्थलों को जो भिन्न भिन्न राज्यों में स्थित हैं उन्हें शामिल किया गया। तो एक आपका पाला वेटलैंड जो कि सीहा मिजोरम में स्थित है, और पांचवें के रूप में आपका सांख्या सागर झील जो शिवपुरी मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इस तरीके से पांच नए स्थलों को शामिल किए जाने के पश्चात भारत में स्थित कुल रामसर स्थलों की संख्या 54 हो गई। और आज के लिए बस इतना ही करंट अफेयर्स। अब अगली वीडियो में करंट अफेयर्स मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।